Hi, How are you? कैसे हो आप लोग आज मेरी तबीयत थोड़ी सी हिली हुई है आ, बट एक बार मैं आप लोगों को डी एन एम फिंगर प्रिंटिंग की क्लास बोल के मैं फिर तब नहीं ली थी तो मैं आज कैंसिल नहीं करना चाहती थी और इतिहास गवाह रहा है कि डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग हमेशा जैसे भी मैं समझाती हूँ वो मुझे लगता है कि वो इनफ नहीं है मुझे और अच्छी तरीके से समझाना चाहिए तो मैं कोशिश करूँगी कि आज की क्लास में तुम लोगों को क्लियरली तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए कि क्या टर्म्स हैं रेपिटेटिव डी क्या है सैटेलाइट डी क्या है मिनी um, सैटेलाइट uh, क्या है माइक्रो सैटलाइट क्या है वी uh, क्या है ऑटो um, रेडियोग्राफ़ी uh, क्या है uh, एवरीथिंग एवरीथिंग जो भी इसमें टर्म्स है एंड यू डों की क्लास में मैं कोशिश करूंगी कि ये टर्म्स तुम लोग क्लियरली बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए कौन कौन आ गया है क्लास में एक minute, मैं क्लास um, एक मिनट मैं लिंक ज्वाइन कर रही हूँ कम टू लव फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश थैंक यू सोमी मुस्कान सान्या चेतना पूर्वी भावनेश रोशन क्लियर है ऑडियो ऑडियो वीडियो क्लियर है सो so, आज की कोशिश आज की क्लास में हेलो हेलो रोशन मैं कोशिश करूँगी कि तुम लोगों को क्लियरली ये टॉपिक समझ में आ जाए ठीक है जितना भी हो सकेगा बाकी तुम लोग मुझे इसमें मैसेजेस uh, में बताते रहना अगर कोई चीज़ तुम लोगों को नहीं समझ में आती है ठीक है मेरे बहुत सारे प्लस के बच्चे भी आए हैं आज क्लास में तो तुम लोग भी मुझे बात करते रहना मुझे बताते रहना क्या क्लियर है क्या नहीं क्लियर है आ, हमारी फ्लैश सेल शुरू होने वाली है कल मुझसे कुछ बच्चे पूछ रहे थे जब मैं आ, स्पेशल क्लास में टेस्ट ले रही थी कि मैम अन अकेडमी के प्राइसेस जब एकदम से ए, कुछ सेल वगैरह आती है तो एकदम से कम होते हैं तो मैं सब्सक्रिप्शन लेना चाहता हूं तो बेटा वो आने वाली है जैसे आएगी आप लोगों को बता दिया जाएगा नवंबर ट्वेंटी फर्स्ट का दिया हुआ है बट क्या ऑफर है वो आप लोगों को पता चल जाएगा ठीक है आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अन का कोड आर आई टी यू डाल के ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में पढ़ रहे हैं आप वहाँ पे भी कोड आर आई टी यू डाल सकते हैं और अगर आप हमारे ऑनलाइन मुझसे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन सेंटर्स में और जितने भी ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनको ऑनलाइन की क्लासेज जो है फ्री में मिलती है पूरा प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है हर ऑफलाइन सब्सक्रिप्शन के साथ तो अगर आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं आप तो भी मुझसे पढ़ सकते हैं बायोलॉजी आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मेरे टेस्ट एवरीथिंग यू विल गेट देयर ठीक है चलिए आओ शुरू करते हैं So, ये हम बाद में पढ़ेंगे पहले मैं तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट समझाती हूं देखो जब ये ये टर्म जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये टर्म और ये जो टेक्निक है ये एक बंदे ने दी थी जिसका नाम था एलेक्स जेफरी जेफरी की स्पेलिंग देख लेना यार जेफरी मैं लिख रही हूँ बट मुझे स्पेलिंग पक्का नहीं पता ये बंदा था जिसने इसकी टेक्निक भी दी और ये टर्म भी दी इसका मीनिंग क्या है अब जैसे तुम्हारी उंगलियों के आगे कुछ पैटर्न बने होते हैं यहाँ पे जिसको हम फिंगरप्रिंट बोलते हैं है ना और हम कहते हैं कि किसी भी दो इंडिविजुअल का फिंगर प्रिंट सेम नहीं है तो हम क्या करते हैं जैसे कोई कहीं मर्डर हुआ तो भैया वहाँ कोई गन मिली जिससे मर्डर हुआ फिर उस गन के ऊपर हम फिंगरप्रिंट चेक करते हैं कि भैया किसके फिंगरप्रिंट है फिर हमारे पास डेटा होता है जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं उनका डेटा होता है फिंगरप्रिंट्स का फिर हम उनके साथ मैच करते हैं हम ऐसे इंडिविजुअली थोड़ा मैच करते हैं मैनुअली हम उसमें सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं कि भैया ये फिंगरप्रिंट कौन से क्रिमिनल से मैच करता है तो कई बार मैच कर जाते हैं कई बार नहीं भी मैच करते और आजकल क्रिमिनल्स चालाक हो गए हैं वो गन पहुँच देते हैं तुमने तो मूवीज़ देखी हैं कि फिंगरप्रिंट जो है वो नज़र नहीं आने चाहिए

उसका डीएनए ले लो तो आप जो मर्डर सीन पे डीएनए मिला था ना मर्डर सीन पे डीएनए मिला था ना आप उस डीएनए से उस सस्पेक्ट का डीएनए कंपेयर कर सकते हो और आप पता लगा सकते हो ये सेम बंदे का डीएनए है कि नहीं है इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा होता है कि बेटा तुम अपने फिंगरप्रिंट पहले ही मिटा दिए हो तुम अपने डीएनए के फिंगरप्रिंट तो नहीं मिटा सकते हो जो तुम्हारा डीएनए है तुम उसको कैसे मिटा दोगे अगर वो बंदा इतना चलाक निकला कि उसने अपना बाल भी नहीं गिरने दिया कोई भी अपना डी उसने नहीं गिरने दिया वहाँ पे क्योंकि देखो बॉडी के हर सेल में डी तो सेम है हेयर में जो डीएनए है हेयर फॉलिकल में हेयर के फॉलिकल में जो, जो पूरी बॉडी में जो सेल है सब में सेम ही डीएनए है क्योंकि हमारे पूरे जो सेल्स हैं वो जाइगॉट से बने हैं ना तो भैया जो जाइगॉट में डीएनए था वही बॉडी के हर सेल में डीएनए आया है तो बॉडी का कोई भी सेल मिल जाए ठीक है सलाइवा मिल जाए इस सलाइवा में सलाइवा में भी कुछ तो सेल्स टूट के गिरे ही होते होंगे सलाइवा का आई एम नॉट श्योर सीमेन में मिल जाए क्योंकि सीमेन में स्पर्म्स होते हैं उसमें हमारा वो होता है जैसे रेप का केस है मान लो ठीक है तो सीमेन आप टेस्ट कर सकते हो वहाँ से आप डीएनए निकाल के टेस्ट कर सकते हो सस्पेक्ट के डीएनए के साथ ठीक है सलाइवा का आई एम नॉट श्योर ब्लड मिल जाए ब्लड में सेल्स होते हैं हमारे पास आर में तो न्यूक्लियस नहीं होता बट डब्लू में न्यूक्लियस होता है ठीक है तो आप वहाँ से उसका डी निकाल के सस्पेक्ट के डीएनए के साथ मैच कर सकते हो कोई भी आपको डी का सोर्स मिल जाए तो आप उससे सस्पेक्ट से मैच कर सकते हो यह टेक्निक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की या आ, जो मींस सबका इंडिविजुअल डीएनए कुछ ना कुछ अलग है दूसरे से दैट मींस अगर मैं सस्पेक्ट नहीं हूं मान लो मैंने वो खून नहीं किया तो मेरा अगर वो डीएनए निकालेंगे तो उसके साथ नहीं मैच करेगा जो वहां पे मौका वारदात पे जो डीएनए मिला है जो खूनी का डीएनए मिला है वो मेरे साथ नहीं मैच करेगा ना तुम्हारे साथ मैच करेगा क्योंकि तुम लोग तो पढ़ रहे हो मान लो इस टाइम किसी का मर्डर हो रहा है तुम में से जितना 200 300 400 बच्चा यहाँ पढ़ रहा है तुम में से कोई खूनी नहीं हो सकता है ना तो तुम्हारा सबका डीएनए लिया जाए तो वो उससे मैच नहीं करेगा इन फैक्ट किसी भी इंडिविजुअल का डीएनए टोटली totally दूसरे इंडिविजुअल के डीएनए से नहीं मैच करेगा दैट मीन्स कुछ तो हमारे अंदर अलग है मेरा तुम्हारे से कुछ तो अलग है ठीक है तुम्हारा यू you नो know, तुम्हारे दोस्त से कुछ तो अलग है ठीक है तुम्हें जान के हैरानी होगी कि नाइंटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट डीएनए ऑफ ऑल सेम तो फिर अलग क्या हुआ नाइन परसेंट पॉइंट नाइन परसेंट डीएनए सबका सेम है तो जो जो डिफरेंस है ना थोड़ा सा वो सिर्फ पॉइंट वन परसेंट ऑफ डीएनए इज डिफरेंट तो हमें ये पॉइंट वन परसेंट पकड़ना पड़ता है डीएनए का डीएनए इज डिफरेंट ठीक है ये डिफरेंस कैच करना पड़ता है तब आप पता लगा सकते हो अच्छा ये बात भी होती है जैसे मेरा और तुम्हारा डीएनए बिल्कुल मतलब मेरा साफ साफ पकड़ा जाएगा डीएनए फिंगर में तुम्हारे डीएनए से नहीं मिलता लेकिन मेरा मेरे पापा से मिलता है डीएनए एग्जैक्टली सेम नहीं मैंने कहा किसी भी दो इंडिविजुअल का एग्जैक्टली सेम नहीं होता लेकिन भैया मेरे पापा का डीएनए फिफ्टी परसेंट मेरा डीएनए मेरे पापा का ही तो है फिफ्टी परसेंट मेरी मदर का है तो मेरा फिफ्टी परसेंट डीएनए तो मेरे पापा से मैच होएगा फिफ्टी परसेंट डीएनए मेरा मेरी मदर से मैच होएगा दैट मीन जो बच्चा है ऑफ स्प्रिंग है ऑफरिंग बच्चा उसका और पेरेंट्स का डीएनए मैच करता है कहीं ना कहीं तो मैच करता ही है क्योंकि डैड से आया फिफ्टी परसेंट इसका फिफ्टी परसेंट मोम से आया और यहाँ पे हंड्रेड परसेंट हो गया तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो हम फिफ्टी परसेंट जो मैच करते हैं ना वो भी ढूंढ सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से ठीक है तो जब जैसे मान लो कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई ठीक है और वो कह रही है कि मेरे बच्चे का बाप ये आदमी है और वो वो कह रहा है ये तो है ही नहीं मैं तो हूँ ही नहीं ये तो पता नहीं किसका बेबी है तो अब लड़ाई हो गई ऐसे लोग करते हैं ठीक है क्योंकि भैया अगर बच्चा प्रूव हो जाए कि उसका है तो फिर उसको जायदाद में हिस्सा देना पड़ता है ठीक है मान लो एक बंदे की ऑलरेडी शादी हो रखी है उसके आराम से तीन बच्चे हैं अच्छे से फैमिली हाउस में रहता है वो समाज में उसकी बहुत इज्जत है और एक दिन कोई रैंडम औरत आके बोले कि नहीं मेरा मैं प्रेग्नेंट हूँ और इसका बाप भी यही है तो उसका तो घर टूट जाएगा उसकी बीवी कहेगी अच्छा घर से बाहर आश किया निकाल दूँगी तुम्हें घर से निकाल कर दूंगी बच्चे भी ले जाऊंगी तुमसे एली भी ले लूंगी तो बंदे का तो पूरा संसार ही वो हो गया बीवी कहेगी फिफ्टी परसेंट प्रॉपर्टी ले जाऊंगी तुम्हारी मैं तुम्हें क्या लगता है तुम इधर उधर आशिया करते घूमोगे मैं तुम्हें छोड़ दूंगी नहीं ऐसा नहीं होने दूंगी मैं तो अब वो डिनाई करेगा कि ये तो मेरा है ही नहीं मुझे क्या पता किसका ऐसा तो कोई भी रैंडम औरत आके बोलेगी कि मेरा बेबी है तो वो औरत कहेगी कि रुक जा ठहर जा मेरे बेबी को डिलीवर होने दे बेबी डिलीवर हुआ फिर कहेगी इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करो इस आदमी के साथ तो वो बच्चे का सेल ले लिया जाएगा उसमें से डीएनए ले लिया जाएगा चाहे एक सेल भी मिल जाए तो भी आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हो हालांकि एक सेल में तो बहुत कम डीएनए एन कोई बात नहीं आप पीसीआर से एम्पलीफाई कर लो उसको पीसीआर एक ऐसी टेक्निक होती है पॉलीमिरेज चेन रिएक्शन जिसमें अगर आपके पास एक सेल का डीएनए एन ना तो आप उसको कॉपी कर सकते हो आधे घंटे के अंदर आपके पास बिलियंस ऑफ कॉपीज बन जाएंगी उस छोटे से पीस ऑफ डीएनए की तो बच्चे का डीएनए ले लो उस आदमी का डीएनए ले लो तो अगर वो उसका फादर हुआ तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में वो मैच हो जाएगा हंड्रेड परसेंट मैच नहीं होगा क्योंकि दो इंडिविजुअल्स का 100 मैच नहीं हो सकता लेकिन बहुत कुछ मैच हो जाएगा तो फिर वो कहेंगे कि भैया तुम ही पापा थे ठीक है फिर उसके साथ जो होना होगा वो होगा ठीक है ये है यू नो डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग के इस 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 को सॉल्व करना मर्डर सीन्स वाला सॉल्व करना तो इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग हाउ हाउ वी How we do it. So, आओ करें। कि मैंने 99% है, इसी हमारा स्किन कलर डिफरेंट है।, है ना बेटा तुम्हे जान के आगे बहुत हैरानी होगी जैसे मान लो किसी का क्रोमोजोम ले लो मैं मान लो क्रोमोजोम वन ले लो मैं क्रोमोजोम वन ले लो क्रोमोजोम वन की दो कॉपीज़ होती है एक मदर से आई एक फादर से आई ठीक है तो ये मान लो एक कॉपी है क्रोमोजोम वन की ये कोई जीन है या ये कोई है? ये कोई है है मान लो आई कलर का ठीक है दैट मीन्स ये आई कलर के लिए एक प्रोटीन कोड कर रहा होगा सो फॉर एग्जाम्पल देन यहाँ पे एक और है ठीक है मान लो ये हेयर कलर के लिए कोड कर रहा है तो बेटा जो ये पोर्शन होते हैं ना जो किसी चीज के लिए कोड करते हैं ठीक है इनको जीन्स या एलील कहा जाता है ठीक है जैसे आई कलर का जीन अगर ये स्पेसिफिक जैसे आई कलर के दो जीन होंगे एक मदर की साइड से आए एक फादर की साइड से आए तो इनको आपस में एलील बोल देते हैं ठीक है एक ही जीन के अलग अलग प्रकार को एलील्स बोल देते हैं जीन एलील भी लिख सकते हो आप जीन भी लिख सकते हो आपको एलील और जीन में कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है उसको कन्फ्यूज होने का मौका तुम्हें अलग से दिया जाएगा ठीक है जब मैं जेनेटिक्स पढ़ाऊंगी तब तुम रो चिल्ला सकते हो कि मैम समझ नहीं आया जीन और हो क्या होता है अभी वो वाला रोना हम साइड में रखेंगे ठीक है अब बेटा सारा डीएनए चीजों के लिए कॉपी नहीं करता मतलब प्रोटीन नहीं बनाता देखो कोई चीज प्रोटीन बनाता है वही तो अपने को एक्सप्रेस करता है ना ये भी प्रोटीन बना रहा है कोर्स ये भी प्रोटीन बना ऐसा बहुत सारा डीएनए होता है जो कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता ऐसे डीएनए को हम जंक डीएनए कहते हैं जंक डीएनए जंक मतलब बर्बाद जैसे जंक कूड़ा होता है इस जंक डीएनए की खास बात यह होती है कि ये रेपिटेटिव सीक्वेंसेस का बना होता है रेपिटेटिव सीक्वेंस मतलब मान लो यहां पे एक सीक्वेंस है एटी फॉर एग्जांपल है ये एटी का सीक्वेंस है तो ये हो सकता है पांच बार एटी का सीक्वेंस रिपीट कर दे ठीक है। तो ये जंक डीएनए जो होता है वो रेपिटेटिव डीएनए होता है और ये किसी चीज के लिए कोड नहीं करता है डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग और ये सबके पास है तुम्हारे भी क्रोमोजोम वन में यहाँ पे एटी का सीक्वेंस होगा अगर मेरे है तो ठीक है अगर तुम्हारे दोस्त के उसमें भी होगा तुम्हारे ड्राइवर चलो ड्राइवर तो कहाँ ही है हमारे पास है ना अभी बट चलो कोई बात नहीं आ, नहीं नहीं हो भी सकता है चलो जो भी है आपके आसपास के लोगों में सब में क्रोमोजोम वन में यहाँ पे एटी 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 का सीक्वेंस होगा ठीक है अब पीछे आओ जो मैंने ये वाली बात कही थी कि ओनली पॉइंट वन परसेंट ऑफ द होगा कि मैम डिफरेंस तो यहां पे होगा तभी तो हम सारे डिफरेंट हैं तभी हमारी आई कलर्स डिफरेंट है हमारी आई शेप्स डिफरेंट है आपको जान के हैरानी होगी कि ये तो फिर भी थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है इनमें जो मेजर डिफरेंस है ना ह्यूमन पॉपुलेशन के डीएनए में वो जंक डीएनए में है जैसे कि तो मतलब पॉइंट वन तो टोटल डिफरेंस है पूरी ए, मतलब जो ह्यूमन जनता है पॉइंट वन परसेंट तो हमारा डिफरेंट है एक दूसरे से डीएनए उसमें से भी जो एक्चुअली जो प्रोटीन्स के लिए कोड कर रहा है वो तो और भी कम डिफरेंट है ठीक है मेजोरिटी ऑफ डिफरेंसेस यही आते हैं क्योंकि डिफरेंस आते हैं म्यूटेशन से देखो मेरी बात सुनो डिफरेंस आते हैं म्यूटेशन से म्यूटेशन क्या होता है जब आपका डीएनए सीक्वेंस चेंज हो जाए यूवी रेज की वजह से चेंज हो जाए किसी और वजह से चेंज हो जाए म्यूटेशन आ जाती हैं ठीक है और म्यूटेशन अगर ऐसे डीएनए में आ जाए जो चीजों के लिए कोड कर रही है तो बेटा दिक्कत भी आ सकती है मान लो आई कलर वाले में म्यूटेशन आ जाए ठीक है आई कलर ही बनना बंद हो जाए आयरस आपका डी पिगमेंटेड हो जाए कलर ही ना आए कोई ऐसी म्यूटेशन आ जाए ठीक है तो दिक्कत हो जाती है ऐसी म्यूटेशन जो होती है मतलब अगली जनरेशन में जाना उनका मुश्किल हो जाता है क्यों मान लो वो म्यूटेशन आ गई तो नेचर नहीं चाहती कि खराब जीन्स आगे जाए है ना तो म्यूटेशन अगर इसमें आ जाए तो जनरली वो वहीं पे ही खत्म हो जाती हैं जब अगर एलील्स में आ जाए तो मेरी बात समझ रहे हो तो ज़्यादातर इनमें जब म्यूटेशन आती है वो आगे आगे जनरेशन में पास होने देती है क्योंकि इसमें क्या ही फर्क पड़ेगा म्यूटेशन से म्यूटेशन से इसमें पांच सीक्वेंस है मान लो इसमें कुछ म्यूटेशन हो गया मान लो सिर्फ तीन ही सीक्वेंस रह गए एटी 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 के तो क्या फर्क पड़ेगा पांच के तीन हो गए तो है ना इसीलिए ज्यादातर जो आपको डिफरेंसेस इन डीएनए मिलते हैं एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में वो आपको जंक डीएनए में मिलते हैं क्योंकि अगर जो इंपॉर्टेंट डीएनए है उसमें अगर कोई म्यूटेशन हो गई तो जनरली वो इंसान आगे बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं रहता कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है अगर कोई इंपॉर्टेंट जीन उसका चेंज हो गया या खराब हो गया तो इतनी बात समझ में आई है इतनी बात समझ में आई देखो हम क्लास में अच्छी अच्छी और टॉपिक से रिलेटेड बातें करेंगे ऊट पटांग बातें नहीं करेंगे ताकि ताकि मैं तुम्हें मैक्सिमम नॉलेज दे सकूं जितना मेरे अंदर है मैं सब दे सकूं देखो हर बंदे की कैपेसिटी होती है नॉलेज देने की ठीक है चीजें सिखाने की तो जितना मेरे पास है वो मैं दे सकूं सब ठीक है वीडियो क्लियर नहीं है बेटा आप अपना वीडियो क्वालिटी वो करो थोड़ा सा इंप्रूव करो वीडियो क्वालिटी करो सेवन ट्वेंटी पी पे करो ठीक है अब सुनो मेरी बात तो म्यूटेशन होती है और जंक डीएनए में वो म्यूटेशन आगे आगे पास ऑन हो जाती है अगली जनरेशन में पास ऑन हो जाती है इसमें म्यूटेशन होगी तो दिक्कत हो जाएगी पास ऑन होन होने में डिफिकल्टी हो जाएगी ठीक है तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसमें कंपेयर करता है कि तुम्हारे जंक डीएनए में कितने एटी एटी सीक्वेंस सीक्वेंस है मतलब मैंने एग्जाम्पल लिया है क्रोमोसोम भी मैंने लिया है ठीक है और दूसरे बंदे में कितने एटी सिक्वेंसेज है ठीक है तुम्हारे और तुम्हारे पापा के तुम्हारे और तुम्हारी मम्मी के सिक्वेंसेज मोस्टली मैच करते होंगे या आसपास होंगे कुछ ना कुछ होंगे ठीक है देखो तुम्हारे पापा को मान लो क्रोमोजोम नंबर वन की दो कॉपी है ना ये मान लो पापा से आई है अब मान लो ये मम्मी से आई है यहाँ पे मम्मी वाली कॉपी भी है तो यहाँ पे जीन होगा आई कलर का मम्मी का भी यहाँ पे जंक डीएनए होगा फिर अगला जीन होगा फिर जंक डीएनए होगा फिर अगला जीन होगा हो, हो सकता है जैसे तुम्हारे पापा के पास एक दो तीन चार पाँच पाँच कॉपीज हो, हो सकता है मदर के पास छः कॉपीज हो एटी 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 सिक्स कॉपीज हो तो बेटा तुम्हारे पास एक में सिक्स है एक में पाँच है तुम, तुम्हारे मम्मी पापा से तुम्हारा डीएनए तो मैच होना ही होना है ये वाली बात समझ में आ गई अब ये जो जंक डीएनए है इसे सैटेलाइट डीएनए रेपिटेटिव जो डीएनए है इसको सैटेलाइट डीएनए भी कहा जाता है क्या कहा जाता है सैटेलाइट डीएनए और ये दो प्रकार का होता है ये सैटेलाइट डीएनए दो प्रकार का होता है मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट अभी तक मैंने क्या बोला हमारे पास कुछ यूजफुल डीएनए होता है कुछ जंक डीएनए होता है जनरली हम जंक डीएनए को ही कंपेयर करते हैं रेपिटेटिव डीएनए को ही कंपेयर करते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में तो रेपिटेटिव डीएनए को हम सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं ये वाली बात समझ में आ गई सैटेलाइट डीएनए दो प्रकार का होता है मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं मिनी और माइक्रो क्या होता है जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होता है उसमें मिनी सैटेलाइट को यूज करते हैं ठीक है अब सुनो सैटेलाइट डीएनए क्या होता है नहीं सैटेलाइट डीएनए तो तुम्हें पता चल गया मिनी और माइक्रो सैटेलाइट्स क्या होते हैं ठीक है मिनी सैटेलाइट होता है जिसमें जो वो रिपीटिंग सीक्वेंस है ना जो रिपीट हो रहा है ये हर में है क्रोमोसोम वन में भी है रिपीटिंग सीक्वेंस क्रोमोसोम टू में भी है क्रोमोसोम, थ्री में भी है क्रोमोसोम, फोर में भी क्रोमोसोम, फाइव सब में है और जनरली एटी नहीं है जरूरी रिपीटिंग सीक्वेंस बड़ा भी हो सकता है एटीसीजी भी हो सकता है चार बेस पेयर्स का सीक्वेंस भी हो सकता है ठीक है ये छह बेस पेयर्स का रिपीट जैसे अगर मान लो चार बेस पेयर का रिपीटिंग सीक्वेंस है तो एटीसीजी 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 ऐसे है अब देखो मान लो क्रोमोसोम टू में एटीसीजी का रिपीटिंग सीक्वेंस है मान लो क्रोमोसोम वन में एटी का सा और क्रोमोसोम टू में एटीसीजी का है तो मेरे भी एटीसीजी है तुम्हारे भी एटीसीजी है ठीक है तुम्हारे फ्रेंड के भी एटीसीजी है बस कितनी बार रिपीट हो रहा है वो डिफरेंट है मान लो मेरा क्रोमोसोम 2 में ATCG पांच बार रिपीट हो रहा है तुम्हारा क्रोमोसोम 2 में ATCG दस बार रिपीट हो रहा है समझ रहे हो तो ये जो सीक्वेंस है वो सेम है हमारे क्रोमोसोम्स में बस उसका नंबर ऑफ रिपीट जो है वो डिफरेंट हो रहा है ठीक है जो उनका नंबर ऑफ रेपिटेशन है वो डिफरेंट हो रहा है अब मिनी सैटेलाइट्स क्या होते हैं ऐसा रेपिटेटिव डीएनए जिसमें रिपीट यूनिट्स आर फिफ्टीन टू सिक्सटी पेयर लॉन्ग इनकी जो रिपीट यूनिट होती है जो रिपीट हो रही यूनिट है वो पंद्रह से साठ पेयर की होती है ये एनसीआरटी में नहीं दिया हो ये बस मैं आपको बताने के लिए बता रही हूं माइक्रो सैटेलाइट में जो रिपीट यूनिट्स होती हैं, जो रिपीट यूनिट्स होती हैं वो एक से तेरह बीस पेयर लॉन्ग होती है मतलब ये छोटी होती है माइक्रो वाली मिनी वाली बड़ी होती है ठीक है अब इन्हीं के अलग अलग रेपिटेशन हो सकती है ठीक है मान लो कहीं पे पंद्रह का बेस पेयर का सीक्वेंस है मान लो नंबर में अब वो का कितनी बार रिपीट हो रहा है तीन बार रिपीट हो रहा है मान लो मेरे में तीन बार हो रहा है तुम्हारे में पांच बार हो रहा है मे भी ठीक है तो ये अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग रिपीट होता है इतना समझ में आ गया बाकी और भी चीजें होती है माइक्रो और मिनी को करने के लिए तीन पॉइंट्स एनसीईआरटी ने दिए जिन पे हम डिफरेंशिएट करते हैं पहला तो नंबर ऑफ रिपीट यूनिट्स तो नंबर ऑफ रिपीट यूनिट्स को कॉपी नंबर बोलते हैं नंबर ऑफ रिपीट यूनिट्स इसको बोलते हैं कॉपी नंबर कि कौन कोई सीक्वेंस कितनी बार रिपीट हो रहा है कितनी बार कॉपी हो रहा है देन लेंथ 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 कैसे डिफरेंट है अब लेंथ और ये कैसे डिफरेंट है देखो मान लो एक पंद्रह बेस पेयर का सीक्वेंस है वो चार बार रिपीट हुआ तो साठ पेयर का हो गया तो इसका रिपीट कॉपी नंबर कितना है चार ठीक है उसकी कुछ लेंथ है मान लो कोई रिपीट सीक्वेंस है साठ वाला और वो सिर्फ दो बार रिपीट हुआ है तो उसका कॉपी नंबर दो हो गया लेकिन उसकी लेंथ तो ज्यादा होगी ना इससे क्योंकि ये अगर दो बार भी रिपीट हुआ है साठ पेयर दो बार भी रिपीट हुआ है तो एक सौ बीस बेसपेयर का हो गया ये चार बार भी रिपीट हुआ है तो भी साठ बेस पेयर का ही हुआ है तो इसकी जब ये चार बार रिपीट होएगा तो इसकी लेंथ छोटी हो जाएगी ये दो बार भी रिपीट होगा तो भी इसकी लेंथ बड़ी हो जाएगी कॉपी नंबर इसका ज्यादा है ये चार बार रिपीट हुआ इसका चार कॉपी नंबर चार है इसका ये दो बार रिपीट हुआ इसका कॉपी नंबर दो है सो so, ये दोनों पॉइंट्स अलग है नंबर ऑफ रिपीट यूनिट्स पर डिपेंड करता है कि कितनी बार रिपीट हो रहा है लेंथ पे डिपेंड करता है टोटल लेंथ कितनी बनी रिपीट होने के बाद और जो एरिया है वो एटी रिच है या फिर सीजी रिच है ए टी बेस पेयर ज्यादा है उसमें या सी जी बेस पेयर ज्यादा है ये तीनों चीज़ें कंपेयर करके हम मिनी और माइक्रो को डिफरेंशिएट करते हैं लेकिन मेजर जो डिफरेंस होता है वो यही होता है कि रिपीट यूनिट कितनी बड़ी है इसकी एक से तेरह बेस पेयर की होती है इसकी पंद्रह से साठ बेस पेयर की रिपीट यूनिट होती है अभी तक मैंने क्या बोला <coughs> मैंने बोला मुझे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी है उसके लिए मुझे डीएनए कंपेयर करना पड़ेगा लेकिन मैं वो डीएनए कंपेयर करूंगी जो रेपिटेटिव डीएनए होता है मैं वो डीएनए कंपेयर नहीं करूंगी जिसके एलील्स हैं जिससे प्रोटीन बनता है मुझे सिर्फ रेपिटेटिव डीएनए कंपेयर करना है ये टेक्निक एलेक्ज़ेफ़री एलेक जेफरी ने दी है जो मुझे रेपिटेटिव डीएनए कंपेयर करना है उसको मैं सैटेलाइट डीएनए भी कहती हूं सैटेलाइट डीएनए दो प्रकार का होता है अगर मेरे जो रिपीट यूनिट्स है वो बड़े हैं पंद्रह से साठ बेस पेयर के हैं तो मैं उसको मिनी सैटेलाइट बोलूंगी अगर मेरे जो बेस पेयर हैं वो छोटे हैं रिपीट यूनिट है वो छोटी है एक से तेरह बेस पेयर की तो मैं इसको माइक्रो सैटेलाइट बोलूंगी बेटा मिनी सैटेलाइट्स को ही वीएन टी आर भी बोला जाता है एक्चुअली मैं तुम्हें रियली बताऊँ वीएन टी आर दोनों को ही बोला जाता है मिनी और माइक्रो दोनों को ही वीएन टी आर बोला जाता है लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मिनी सैटेलाइट को वीएन टी आर बोला जाता है इसी को VNTR भी बोला जाता है VNTR क्या है वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स मतलब वेरिएबल नंबर में यह वाला रिपीट यूनिट जो है वो रिपीट हो रहा है टैंडम रिपीट्स इसी को वीएन टी आर भी बोला जाता है वेरिएबल नंबर वेरिएबल नंबर में ये यूनिट जो है वो रिपीट होगी वो पंद्रह बेस पेयर की यूनिट भी हो सकती है सोलह बेस पेयर की यूनिट भी हो सकती है बीस बेस पेयर की भी हो सकती है पंद्रह साठ में होनी चाहिए वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट इसी को ही बोला जाता है इतनी बात समझ में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से अभी क्वेश्चन आया था बेटा डीएनए पॉलीमोर्फिजम पे क्वेश्चन आया था बस अब हमें डीएनए पॉलीमोर्फिजम समझना है उसके बाद में तुम्हें टेक्निक करा सकती हूं इतनी बात समझ में आ आगे

जेनेटिक डिफरेंस बिटवी टू इंडिविजुअल अगर तुम हर बार दो इंडिविजुअल्स को जब भी कंपेयर करना उसका पूरा डीएनए अगर कंपेयर करने लग जाओगे थ्री इंटू टेन रेस टू बार नाइन बेसिस तो आप तो पागल हो जाओगे तो आपको कभी भी पूरा डीएनए नहीं कंपेयर करना होता है आपको सिर्फ पार्ट ऑफ डीएनए कंपेयर करना होता है कौन सा पार्ट कंपेयर करेंगे हम सैटेलाइट डीएनए वाला रेपिटेटिव डीएनए वाला पार्ट हम सिर्फ कंपेयर करते हैं हम सारा डीएनए क्यों कंपेयर करें हम पागल थोड़े बहुत इमेजिन ट्राइंग टू कंपेयर थ्री इंटू टेन रेस टू पार नाइन बेस पेयर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ वेरी क्विक वे टू कंपेयर डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ टू इंडिविजुअल्स यहां तक ये वाली दो बातें ये, ये पूरा पैराग्राफ खत्म हो गया आगे चलें डीएनए फिंगर प्रिंटिंग रीजन इन स्पेसिफिक रीजन कंपेयर करेंगे सैटलाइट दिने। सैटलाइट दिने में भी कौन सा सैटलाइट मिनी सैटेलाइट कंपेयर करेंगे माइक्रो सैटेलाइट नहीं कंपेयर करते अब मुझे नहीं पता एलिकेफरी ने क्यों कहा कि मिनी सैटेलाइट ही कंपेयर करो माइक्रो मत करो आई डोंट नो बट करेंगे मिनी सैटेलाइट

आप नॉर्मल डीएनए और सैटेलाइट डीएनए को कैसे सेपरेट कर सकते हो अलग अलग कैसे कर सकते हो तो आप डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन नाम की टेक्निक कर सकते हो आपको मान लो अलग करना है आप कह रहे हो मैंने तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी है तो भाई भाई, भाई भाई प्लीज प्लीज सीरी हे सीरी यू मै टू मेच हेज किसी को सेंड कर देगी मैसेज शर्टअप का सीरी पागल हो चुकी है किसी को कह रही है मैसेज सेंड कर देती हूँ मैं शर्टअप में उसको up बोल रही थी तो हम एक टेक्निक करते हैं मान लो तुम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने लग गए तो तुम्हें पहले जंक डीएनए सेपरेट करना पड़ेगा है ना रेपिटेटिव डीएनए सेपरेट करना पड़ेगा बल्क डीएनए से तो तुम इसके एक टेक्निक लगाओ इसके ऊपर डेंसिटी रेडियंट सेंट्रिफिकेशन तो वहां पर तुम्हें ऐसे सेपरेट मिल जाएगा दो पीक्स मिल जाएंगी सेपरेट ये बल्क डी की पीक मिल जाएगी बल्क डीएनए हमारे काम का है नहीं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में ये छोटी सी पीक मिल जाएगी जिसको हम बोलेंगे हमारा सैटेलाइट डीएनए जो रेपिटेटिव डीएनए तो हमें यही वाली पीक चाहिए है ना सैटेलाइट डीएनए ये, ये वाली बात कह रहा है ठीक है आगे पढ़ते द बल्क डीएनए फॉर्म्स अ मेजर पीक ठीक है बल्क डीएनए जो हमें नहीं चाहिए वो एक मेजर पीक बना लेता है सेंट्री डेंसिटी में एंड अदर स्मॉल पीक्स आर रेफर्ड टू एज सेटेलाइट डीएनए डिपेंडिंग ऑन द बेस कॉम्पोजिशन ठीक है अब आप सैटेलाइट डीएनए को दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो आप क्या क्या कंपेयर करोगे बेस कॉम्पोजिशन ए टी रिच एरिया है लेंथ ऑफ ऑफ सेगमेंट सेगमेंट कितना लंबा है नंबर नंबर रेपिटेटिव जिसको हम कॉपी बोलते हैं द सैटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड इन टू मैनी कैटेगरी सच एज माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट दी सीक्वेंस डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन भैया तुम जंक डीएनए हो तो तुम कैसे कोड कर सकते हो बट दे फॉर्म अज पोर्शन ऑफ ह्यूम जीनोम ऐसे रिपीट बहुत बड़ा पोर्शन बनाते हैं ह्यूमन जीनोम का दीज सीक्वेंसेज शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमोरफिज्म अब तुम्हे पॉलीमोर्फिजम टर्म समझना है दीज सीक्वेंसेज शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमोरफिजम क्या मीनिंग है इसका अब तो नेक्स्ट जो पॉइंट समझना है इसी पे 2022 में क्वेश्चन आया था डीएनए पॉलीमोर्फिजम पे क्वेश्चन क्या था वो भी बता देती डीएनए क्या था ये भी बता देती क्वेश्चन ये आया था कि डीएनए पॉलिमोर्फिजम इज द बेसिस ऑफ बोथ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट या जेनेटिक सीक्वेंसिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो मुझे ट्रू फॉल्स में नहीं पता चला था बट ये ट्रू स्टेटमेंट है इट इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड जीन सीक्वेंसिंग ये स्टेटमेंट ये था नीट दो हजार बाईस में ट्रू या फॉल्स करनी थी आई थिंक ये स्टेटमेंट ठीक है अब ये तो तुम्हें पता चलेगा क्वेश्चन क्या है अब डीएनए पॉलीमोरफिज्म होता क्या है बेटा देखो जो हमने समझ लिया ना बस उसी को डीएनए पॉलीमोर्फिज्म कहते हैं बस तुम्हें अब इसको वर्ड में पुट करने की जरूरत है कि डीएनए पॉलीमोरिज्म क्या होता है पॉली मतलब डिफरेंट मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजी जैसे हम प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि भैया किसी के पत्ते का शेप ऐसा है किसी के पत्ते का शेप ऐसा है मतलब उनकी मॉर्फोलॉजी अलग अलग है या किसी की हाइट लंबी है या किसी की हाइट छोटी है प्लांट की या किसी का यू you नो know, अलग-अलग टैप रूट सिस्टम है किसी का फाइब्रस रूट सिस्टम है तो मॉर्फोलॉजी अलग-अलग है मॉर्फोलॉजी क्या होती है जो आप बाहर से देखते हो तो आपके डीएनए में भी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट होती है मतलब डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या है बेसिकली अगर मेरा डीएनए तुम्हारे डीएनए से वेरी कर रहा है तो वो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है

सीक्वेंस पांच बार मिल रहा है या तीन बार मिल रहा है सपोज लेकिन इसमें म्यूटेशन हो गई और ये पांच बार मिलने लग गया तो ये म्यूटेशन हो गई और ये म्यूटेशन इतनी खतरनाक नहीं थी कि ये बंदा आगे बच्चे पैदा ना कर सके कर रहा है तो इसने ये म्यूटेशन जो है ये म्यूटेशन अपनी अगली जनरेशन में पास ऑन करती ये अगली जनरेशन में पास ऑन करती इसने म्यूटेशन और अब ये ह्यूमन पॉपुलेशन में 0.01 फ्रीक्वेंसी से ज्यादा मिल रही है म्यूटेशन ठीक है अगर कोई म्यूटेशन इतनी ज्यादा फैल जाए ह्यूमन पॉपुलेशन में कि वो मोर देन 0.01 फ्रीक्वेंसी में मिले तो उसको हम मान देते हैं कि बेटा तू डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की कैटेगरी में आ गया दोबारा सुनो नहीं समझ में आएगा तुम लोगों को अब मान लो ये म्यूटेशन हो गई ठीक है और ये म्यूटेशन हो के अगली जनरेशन में कभी गई नहीं मान लो ये जो बंदा है ये बच्चे पैदा ही नहीं कर पाया जिसकी ये म्यूटेशन हुई है तो ये म्यूटेशन यही खत्म हो गई तो इसको मैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म नहीं कहूँगी हमारे बुक कह रही है कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म तभी कहो किसी म्यूटेशन को किसी डिफरेंस को डिफरेंस ऑफ डीएनए को तभी पॉलीमॉर्फिज्म का नाम दो अगर वो एक वाइड स्प्रेड हिस्से ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन में फैल चुकी है मतलब एटलीस्ट पॉइंट वन ह्यूमन पॉइंट जीरो वन पर मतलब पॉइंट जीरो वन समझ रहे हो मतलब वन परसेंट वन परसेंट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन में मिलनी चाहिए वो म्यूटेशन अगर फ्रीक्वेंसी को आप परसेंटेज में निकालना चाहो तो आप हंड्रेड से डिवाइड कर दोगे ना तो आप पॉइंट जीरो वन को हंड्रेड से डिवाइड करो तो वन आ जाएगा दैट मीन्स अगर कोई चेंज इन जेनेटिक मटीरियल है कोई म्यूटेशन हुई है वो

एक परसेंट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन में मिल रही है एक परसेंट या उससे ज्यादा में मिल रही है मतलब वो डिफरेंस वो जो म्यूटेशन है वो काफी फैली हुई है ह्यूमन पॉपुलेशन में तब इसको आप पॉलीमॉर्फिज्म कहोगे ठीक है अब मैं तुम्हें डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म अलग अलग प्रकार की हो सकती है जैसे कि तुम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ोगे एस एन पी एस एन पी इज अ टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमोरफिजम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप है एस एन पी एस एन पी क्या सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमोर्फिजम सिंगल न्यूक्लियोटाइड और एसएनपी आप कहां पढ़ते हो पॉलीमोर्फिजम आप डीएनए ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ते हो यही तो हमने गलती खा दी क्योंकि हमें नहीं पता था कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमोर्फिजम भी डीएनए पॉलीमोर्फिजम ही है तो एसएनपी इज द बेसिस ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एसएनपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आप सुनो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है मान लो कोई सीक्वेंस है क्रोमोसोम फोर में कोई सीक्वेंस है ए टी सी जी जी ए टी टी जी ए सी ये सीक्वेंस है और ऑफ कोर्स इसका हमेशा जो डीएनए वो तो डबल स्टैंडर्ड ही होगा तो इसके दूसरे स्टैंडर्ड स्टैंड पे, पे क्या होगा टी ए जी सी सी टी टी ए, ए जी सी टी जी, ती जी, ती जी, ती जी.

यहां पे हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में कौन सा पॉलीमोरफिज यूज कर रहे हैं हम यूज कर रहे हैं पॉलीमोर्फिजम दैट इज फाउंड इन रेपिटेटिव डीएनए पॉलिमोर्फिज इन रेपिटेटिव या सैटेलाइट डीएनए सैटेलाइट डीएनए में जो पॉलीमोर्फिजम है अब हम उसको यूज कर रहे हैं यहां पे कैसे मेरे क्रोमोसोम वन में मान लो चार बार एटी है ठीक है मेरे क्रोमोजोम वन में मान लो चार बार एटी है का है, ठीक है और कौन है चैट सेक्शन में इधर आओ hmm, कोई तो अच्छी बात बोलो मिस मेडिको है एक बच्ची मिस मेडिको मिस मेडिको के क्रोमोजोम वन में मान लो ये सिर्फ दो ही सीक्वेंस है एटी एटी के ठीक है तो भैया ये पॉलीमोरफिज्म हो गया ना यहाँ पे कुछ अलग है डीएनए यहाँ पे कुछ अलग है डीएनए हम ऐसे जो सैटेलाइट डीएनए में जो पॉलीमोरफिज्म है वो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज करेंगे और पॉलीमोरफिज्म कब कहते हैं हम जब वो डिफरेंस जो है जब वो चेंज है वो वन परसेंट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन में पाया जाए उससे ज्यादा में मतलब जीरो पॉइंट जीरो वन फ्रीक्वेंसी में मिलना चाहिए वो चेंज समझ में आ गया डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है जल्दी बोलो हाय समझ में आ गया कुछ समझ में आया जो मैंने अभी तक बोला है अभी तक मैंने क्या कहा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की के टेक्निक एलेक्स जेफरी ने दी है जिसमें हम सैटेलाइट डीएनए को कंपेयर करेंगे सारे ह्यूमंस के सैटेलाइट डीएनए को कंपेयर करेंगे हम सब पूरा का पूरा डीएनए कंपेयर नहीं करेंगे सैटेलाइट डीएनए मतलब रेपिटेटिव डीएनए जो दो प्रकार का होता है मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट तो हम मिनी सैटेलाइट को तो कंपेयर करेंगे मिनी सैटेलाइट को वीएन भी कहते हैं तो हम बेसिकली डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का यूज कर रहे हैं तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है जब डीएनए अलग अलग हो हर अगर कोई म्यूटेशन हो गया किसी इंडिविजुअल का डीएनए अलग हो जाता है तो उसको डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं और वो जो डिफरेंट जो म्यूटेशन है वो जीरो पॉइंट जीरो में फैली होनी चाहिए ह्यूमन पॉपुलेशन में या उससे ज्यादा में ठीक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का अब तुम्हें पता है मिनी सैटेलाइट क्या अब तुम्हें पता है माइक्रो सैटेलाइट के तुम्हें पता है डीएनए क्या है तुम्हें सब कुछ पता है अब तुम पंद्रह मिनट के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूरी की पूरी टेक्निक सहित समझ सकते हो अगर तुम ध्यान से देखो तो अच्छा तो मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट की बात हो रही थी ठीक है दी सिक्वेंसिस डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन बट दे फॉर्म अ लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम दी सिक्वेंसिस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलिमोर्फिजम क्योंकि इनमें ये बहुत सारे बहुत ज्यादा डिफरेंट है ये दूसरे इंडिविजुअल्स में डिफरेंट डिफरेंट है एंड फॉर्म बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यही है जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस बनाते हैं दैट मींस सैटेलाइट डीएनए इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पॉलीमॉर्फिज्म इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग

यूजफुल टूल इन फोरेंसिकेशन फर्दर मोर एज दीज पॉलीमोर्फिजेरिटेबल ये पॉलीमोर्फिजम आपके बच्चों में जाते हैं आगे ठीक है पेरेंट्स टू चिल्ड्रन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इज अ बेसिस ऑफ मेटर्निटी टेस्टिंग ऑल्सो एज पॉलीमोर्फिजम इन डीएनए सिक्वेंस इज बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग यहां से क्वेश्चन आया था नीट ट्वेंटी टू

इन सोमैटिक सेल और इन जर्म सेल म्यूटेशन तो सोमैटिक सेल में भी हो सकती है जर्म सेल में भी हो सकती है सोमैटिक सेल मतलब मेरे स्किन के सेल में भी म्यूटेशन हो सकती है बेटा देखो गैमीट्स को छोड़ के गैमीट या गैमीट प्रोड्यूसिंग सेल्स को जर्म सेल्स बोलते हैं ठीक है गैमीट या gamete को, जैसे उ, उ गोनिया को भी जर्म सेल बोलेंगे इमेच्योर जर्म सेल बोलेंगे ठीक है लेकिन जर्म सेल तो है प्राइमरी को भी सेकेंडरी ऊ साइड को भी uh, ओवम को भी

फर्दर पॉपुलेशन में वो म्यूटेशन फैलाना चाहते हो जो आप में म्यूटेशन हुई है तो वो आपके जर्म सेल में म्यूटेशन होनी चाहिए क्योंकि बेटा हमारे गैमीट में अगर वो म्यूटेशन होगी तभी तो वो अगली जनरेशन में जाएगी ना मान लो मेरी स्किन पे म्यूटेशन हो गई तो मेरे बच्चे में थोड़ी भी जाएगी वो म्यूटेशन क्योंकि स्किन का सेल थोड़े भी मेरे बच्चे के अंदर जा रहा है मेरे बच्चे के अंदर तो ओवम जाएगा ना तो ओवम में म्यूटेशन या ओवम बनाने वाले सेल्स में म्यूटेशन होनी चाहिए और वो म्यूटेशन इतनी खतरनाक भी नहीं होनी चाहिए कि वो मेरे ओवम बनाने की एबिलिटी को ही बंद कर दे कि मैं प्रोड्यूस कर पाऊं एंड आई एम नॉट एबल टू हैव किड्स इसलिए ऐसी म्यूटेशंस जो इंपॉर्टेंट जीन्स को खराब करती हैं वो पास ऑन ही नहीं हो पाती जनरली वही म्यूटेशन पास ऑन हो पाती जो में होते। क्योंकि भी हो जाएगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ताली बीन डिस्क्राइब्ड एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इफ मोर देन वन वेरिएंट एट अ लोकस मतलब लोकेशन लोकेशन ऑन क्रोमोसोम ह्यूमन पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ग्रेटर जीरो अगर मान लो कोई क्रोमोजोम है क्रोमोजोम वन है उसका कोई पार्ट है ये क्रोमोजोम वन है इसके यहाँ पे पॉलीमोरफिज्म है मतलब मेरे इसके यहाँ पे चार ए टी सिक्वेंस मेरे हैं तुम्हारे दस ए टी सिक्वेंस है तुम्हारे फ्रेंड के पंद्रह ए टी सिक्वेंस है और वन परसेंट ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन से ज्यादा में ये चेंजेस नजर आ रहे हैं वन परसेंट ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन ऐसी हो गई

प्रॉबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन टू बी ऑब्जर्व इन कोडिंग आज मैं इतना explain कर रही पता नहीं आज मैं इतना क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि शायद मैं ना गिल्टी फील कर रही हूँ कि ये टॉपिक मैंने इतने अच्छे से नहीं समझाया था इसलिए दो हजार बाईस में बच्चों का एक क्वेश्चन गलत हो गया ये वाली बात मैंने पिछले बार जब यूट्यूब के लेक्चर में पढ़ाया था तो मैंने नहीं समझाया था कि डीएनए फिंगरप्रिंट जो पॉलीमोज है इट इज द बेसिस ऑफ बोथ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एज वेल एज डीएनए फिंगर प्रिंटिंग उसके लिए मैं कर रही हूँ गिल्टी फील तो मैं एक एक लाइन को इसलिए दस दस बार समझा रही हूँ समझ रहे हो तो अगर वो वेरिएशन नॉन कोडिंग डीएनए में होगी जंक डीएनए में होगी सैटेलाइट में होगी तो उसके जाने की आगे प्रोबेबिलिटी ज्यादा हायर है Because mutations in these sequences may not have immediate effect in the individual's reproductive ability. These mutations keep on accumulating from generation to generation and form the basis of polymorphism. There is a variety of different types of polymorphisms range, ranging from single nucleotide changes, which we call SNP, to a very large scale changes. For evolution and speciation, such polymorphisms play a very important role. And you will study these in...

that shows very high degree of polymorphism it was called variable number of number of tandem repeat theek hai this technique as used earlier involved Southern blot ab Southern blot kya hota hai bade sare term aa gaye hai na probe kya hota hai Southern blot kya hota hai theek hai Radioactive एक्ट VNTR वी एन टी आर क्या होता है अब पढ़ना शुरू करें टेक्निक को पढ़ना शुरू करें टेक्निक को किशोर नीट क्वालिफाई कर दिया तू क्वालिफाई कर दिया मतलब क्या डॉक्टर बन गया तू मेरे साथ पढ़ के हाँ जी दीप्ति रावत इतना समझ में आ गया मैम बूढ़ी हो गई हाँ बूढ़ी तो हो गई बेटा ये बात तो सही है मुझे खुद फील होता है यार सदरन ब्लॉटिंग क्या होती है टेक्निक करें अभी तुम लोगों को समझ में आ रहा है अभी ये टर्म्स क्लियर हो गए तुम्हें अगर तुम्हारा बेसिस क्लियर हो गया ना देखो जेनेटिक्स में क्या अगर बेसिक टर्म्स नहीं होती ना क्लियर तो बहुत दिक्कत करता है जेनेटिक्स यार एलील क्या होता है जीन क्या होता है लोकस क्या होता है होमोलोगस क्रोमोजोम क्या होता है सिस्टर क्रोमेटेड क्या होता है मतलब छोटी छोटी टर्म भी अगर आपको क्लियर नहीं है तो आपको जेनेटिक्स बहुत दिक्कत करेगी पीक वाला मुझे नहीं है कशिश कुछ नहीं है तुम्हें जब बल्क जब बल्क को सैटेलाइट डीएनए से, से सेपरेट करना होता है तो तुम उसमें एक टेक्निक लगा देते हो जिसको डेंसिटी रेडियंट सेंट्रीफिकेशन बोलते हैं उसमें आपका डीएनए दो पीक्स में नजर आता है आपको ठीक है एक आपका बल्क डीएनए का पीक एक आपका सैटेलाइट डीएनए का पीक VNTR क्या होता है वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट मिनी सैटेलाइट को लविंग तो कपल शायरी फिर कह रहा है वी एन टी आर क्या होता है मैम मैम केमिस्ट्री पढ़ा दो बेटा तुम्हें बायोलॉजी में बस तुम्हारे बायोलॉजी में थ्री सिक्सटी में से तो मैं थ्री फोर्टी थ्री फिफ्टी थ्री सिक्सटी टच करा दूं बस मेरी जिंदगी सफल हो जाए क्या करूं केमिस्ट्री बढ़ा के खुद ही नहीं आती बेटा आओ अब टेक्निक देखते हैं एक बार में समझ में आ जाएगी टेक्निक ध्यान से सुनोगे तो टेक्निक क्या है तो हुआ है एक मर्डर ठीक है मर्डर किया है एक्स ने, ठीक है और मर्डर के समय पे एक मिल गई उसकी ब्लड की ड्रॉप लड़ाई होगी मर्डरर मर्डर और विक्टिम के बीच में लड़ाई हुई तो विक्टिम ने भी ऐसे उसके छील छूल दिया ठीक है तो मान लो विक्टिम के नाखून के नीचे से या तो ब्लड मिल गया या कोई स्किन जो उसने मर्डर की स्किन छीली थी वो मिल गई नाखून के नीचे से तभी तुमने देखा है सीआईडी वगैरह जैसे प्रोग्राम में वो फिंगर्स के नीचे से स्क्रेप निकालते हैं वो क्या निकालते हैं वो बेसिकली डीएनए निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं ब्लड मिल गया या स्किन का कुछ पार्ट मिल गया ठीक है तो हमने क्या किया हमने इसका डीएनए सेपरेट कर लिया पहले सेटेलाइट डीएनए ठीक है सेटेलाइट डीएनए सेपरेट कर लिया अब देखो मान लो अब हम हर क्रोमोसोम का करते हैं क्रोमोसोम वन का क्रोमोसोम टू का लेकिन मैं यहाँ पे तो इतना कुछ नहीं करा सकती तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ सिर्फ मान लो क्रोमोसोम वन मुझे मिल गया इस पापी का जिसने मर्डरर का मर्डरर जो एक्स है उसका मैंने बल्क डीएनए सेपरेट कर लिया तो क्रोमोजोम में मैंने देखा कितना बल्क डीएनए अब क्रोमोजोम वन में उसके मान लो ए टी सिक्वेंस था या ए टी सी जी सिक्वेंस था कोई भी सीक्वेंस लगा लो पर मुझे मिनी सैटेलाइट लेना है तो मुझे थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा मिनी का तो पंद्रह से साठ का सीक्वेंस है तो मैं सीक्वेंस की बात ही नहीं कर रही ठीक है कोई सीक्वेंस है मिनी सैटेलाइट में देख रही हूँ मैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है मिनी सैटेलाइट की बात होगी तो मान लो उसका यहाँ पे पांच बार रिपीट हो रहा है वो सीक्वेंस मेटरनल क्रोमोजोम में पांच बार सीक्वेंस रिपीट हो गया ठीक है और क्रोमोजोम वन में ऑफकोर्स दो क्रोमोजोम वन होते हैं ठीक है दूसरे में इसका दो बार रिपीट हो रहा है ठीक है क्रोमोजोम टू भी देख लिया मान लो मैंने इसका वैसे मेरे लंबा हो जाएगा काम समझ ना ऐसे मैं, मैं लो टू में यहाँ पे मान लो तीन बार है या दो बार है ऐसे ऐसे करके मैं सारे देख लूंगी पर मैं तुम्हें बाकी वाले दिखा नहीं सकती ना नहीं तो काम ही नहीं मेरा तो पूरा हो पाएगा तो मैं सिर्फ अभी एक ही क्रोमोजोम का कंपेयर करके दिखाती हूँ जब एक्चुअल में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है तो सारे क्रोमोजोम्स की होती है ठीक है अब मान लो मेरे ऊपर शक है री टू? नहीं यार पिछली बार मेरे ऊपर शक ही था जब मैंने पिछली क्लास में थी इस बार मैं अपने आप को बनाऊंगी नहीं और पिछली बार तो मैंने अपने आप को क्रिमिनल भी निकाल दिया था ठीक है और बताओ राजदीप घोष है एक बच्चा राजदीप घोष मुझे है राजदीप पे शक क्योंकि राजदीप का फोन उसी एरिया में ट्रेस हुआ था जब ये मर्डर हुआ ठीक है तो इसका भी हमने मिनी सेटेलाइट निकाल लिए क्रोमोजोम वन के तो हमने देखा क्रोमोजोम वन में इसके पास कितने मिनी सैटेलाइट है मान लो इसके पास आठ है ठीक है और इसके पास यहाँ पे जो सेकंड वाला है इसके पास मान लो है. यही रिपीट सीक्वेंस बेसिकली ये वाले आठ है यहाँ पे छः है मिनी सैटेलाइट का जो रिपीट है फिर मान लो एक और बंदा है पुष्पा पुष्पा तुम आना चाहती हो नहीं अंगद आना चाहता है। एक बंदा है अंगद अंगद इसका बेस्ट फ्रेंड था जिसका मर्डर हुआ तो अंगद से लड़ाई चल रही थी तो अंगद का भी हमने फिर मिनी सैटेलाइट देखा क्रोमोजोम वन का तो हमने देखा कि <laughs> अंगद के भी पांच और दो है तो साफ साफ अंगद पकड़ा गया कि यार ये जो मर्डरर है ये तो इसके मिनी सेटेलाइट इससे मैच करते हैं तो अंगद जो है वो क्रिमिनल है लेकिन ये तो सिंपल सी बात होगी लेकिन एक्चुअली आप क्या क्रोमोजोम में देख सकते हो मिनी सेटेलाइट क्रोमोजोम को माइक्रोस्कोप के नीचे देख के मैं पढ़ पकड़, पकड़ सकती हूँ कि पाँच मिनी सेटेलाइट है या दो मिनी सेटेलाइट है क्रोमोजोम वन में ऐसे नहीं पकड़ सकती इसके लिए हमें पूरा टेक्निक करना पड़ता है तो हमें ये तो पता चल गया अंगद मर्डर है क्योंकि मैंने तुम्हें बोर्ड पर लिख के दिखा दिया एक्चुअल में ऐसा नहीं होता एक्चुअल में पूरी टेक्निक करूँ होता ये है कि सबका डीएनए ले लिया तीनों का डीएनए ले लिया मर्डर का ले लिया राजदीप का ले लिया अंगद का ले लिया ठीक है अब इसको पहले इतना यहां से पीस काटो अरे इसको पहले यहां से काटो तो सही जितना वो लंबा पीस है ठीक है तुम नंबर नहीं काउंट कर सकते तुम लेंथ देखोगे उसकी कि कितनी लेंथ है जितने वो मिनी सैटेलाइट है रेपिटेशन है मिनी सैटेलाइट की उसकी लेंथ कितनी है इसको यहां से काटोगे ठीक है तो ये पीस तुम बाहर निकालोगे पहले इसका ये वाला पीस बाहर निकलेगा सबसे पहले पीस काटो तो पीस कैसे आप काटते हो स्टेप वन क्या होता है कट डीएनए विद हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इंजाइम कट डीएनए विद हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इंजाइम देखो टेक्निक इतनी ही सिंपल है जितनी मैंने बताई है कि बस ऐसे कंपेयर कर लो इनके कि कितने कितना कितना लेंथ का मिनी सेटेलाइट है उनका कितना रेपिटेशन सीक्वेंस है लेकिन इतना ईजी वो नहीं है क्योंकि हम क्रोमोसोम को ऐसे देख नहीं सकते तो अभी सारा कुछ देखने के लिए है आगे जो पूरी टेक्निक में कराऊंगी सिर्फ देखने के लिए कट डी एन ए विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन इनजाइन तो इसका ये लेंथ आ गया आठ वाले का लेंथ ऑफ कोर्स ज्यादा होगा ठीक है ये तीन आ गया ये छह वाले का लेंथ आ गया ठीक है तो इसका भी लेंथ अच्छा खासा है फिर यहाँ पे पांच ये लेंथ आ गई बेसिकली ठीक है ये ऐसे सीक्वेंस आ गया मर्डर का यहां पे पांच का दो का सीक्वेंस ठीक है यहां पे आठ और छह का सीक्वेंस अब हमने क्या किया स्टेप टू होता है कि इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करो स्टेप टू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको वैसे भी आना चाहिए ये नीट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एक टेक्निक होती है जो डीएनए को उसके साइज के हिसाब से सेपरेट करती है सेपरेट पीस ऑफ डीएनए पीसेज ऑफ डीएनए अकॉर्डिंग टू इट्स साइज लेंथ ठीक है तो उसमें क्या होता है एक ऐसे जेल लेते हैं एक जेल लेते हैं एगरोज जेल बोलते हैं इसको एगरोज जेल रेड एलगी से मिलता है जेली डी, जेली और एरिया से यहाँ पे ऐसे टब्स होते हैं ठीक है जिसमें आप अपना डीएनए डालते हो क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है तो आप यहाँ पे एक एनोड लगाते हो और यहाँ पे आप एक लगाते तो इसकी वजह से डीएनए क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है तो वो इस साइड को भागता है तो यहां पे मर्डर का डीएनए डाल दो यहाँ पे आप राजदीप का डीएनए डाल दो यहां पे आप अंगद का डीएनए डाल दो ठीक है तो यहाँ पे क्योंकि जो अंगद का डीएनए था उसमें कितना कितना था पांच और दो राजदीप का आठ और छह ठीक है पांच और दो तो पांच का क्योंकि जो छोटे वाले होते हैं वो सबसे तेज भागते हैं तो इसका जो दो वाला पीस है वो यहां भाग गया ठीक है पांच वाला पीस इसका यहाँ है मान लो ये वाला सीक्वेंस फाइव वाला सिमिलरली अंगद का भी है क्योंकि अंगद और मर्डर तो सेम है पांच और दो यहाँ पे ठीक है राजदीप का अलग है आठ और छह तो उसके वो पीछे रह गए आठ वाला यहाँ पे और उससे आगे छ वाला ऐसे अब हमने सेपरेट कर लिया साइज के हिसाब से हमें क्लियरली दिखना चाहिए कि भैया मर्डर और अंगद के सेम उस पर आ रहे हैं तो मतलब मर्डर इज इक्वल टू अंगद लेकिन हम इस डीएनए को देख नहीं पाते प्रॉपरली ठीक है तो हम इसको देखने के लिए क्या करते हैं इसको पहले ट्रांसफर करते हैं क्योंकि हम जेल पे ज्यादा कुछ काम नहीं कर सकते हम इसको एक नाइट्रोसेलुलोस शीट पे ऐसे ट्रांसफर करते हैं जैसे एक पतली सी शीट होती है वो उसके ऊपर रख देते हैं तो ये डीएनए उस पर चिपक जाता है ट्रांसफर डीएनए स्टेप थ्री इज ट्रांसफर दीज पीसेस पीसेस लिखना चाह रही थी मैं पाइसिस लिख दिया पीसेस टू अ नाइट्रो सेलुलोज पेपर क्योंकि आप नाइट्रो सेलुलोज पेपर पे और इजीली अपनी टेक्निक को कर पाओगे जेल पे जेल तो ऐसे होता है टूट सकता है ऐसे सेपरेट हो सकता है कुछ भी हो सकता है आप प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाओगे उस पे इसी को ब्लॉटिंग बोलते हैं इसके ऊपर पेपर रख दो ऐसे नाइट्रो सेलुलोज शीट रख दो इसके ऊपर और वो उसके ऊपर पूरा डीएनए ऐसे ले लेगी अपने ऊपर इसी को बोलते हैं सदरन ब्लॉटिंग ब्लॉट करना सिंपली होता है डीएनए के पीसेस को किसी और शीट पर डालना तो ये तुम्हारा पेपर आ गया उस पर यही तुम्हें ऐसे सीक्वेंस नजर आ रहा है ऐसे लेकिन अभी भी तुम देख नहीं पा रहे इसको प्रॉपरली सीक्वेंस को दिस इज पेपर तो थर्ड स्टेप इज ब्लॉटिंग आपने अपना डीएनए का जो वो था पैटर्न था वो आपने उस पर डाल दिया अब देखने की दिक्कत है अब आप क्या करोगे इसके ऊपर आप स्टेप जो फोर है रेडियो एक्टिव यहीं पे लिख रही हो स्टेप फोर रेडियो एक्टिव वीएन टी आर प्रोब छोड़ दो इसके ऊपर रेडियो एक्टिवी आर प्रोब छोड़ दो प्रोब क्या होता है बेटा प्रोब होता है इंग्लिश का वर्ड है मतलब किसी चीज को ढूंढना तो आप इनको देखना चाहते हो तो इनको ढूंढने के लिए कि कितना बड़ा पीस ऑफ डीएनए कहाँ कहां पड़ा है आप कुछ इनके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस रिलीज करते हो जैसे मान लो इसका ए टी सीक्वेंस है मान लो ए सीक्वेंस है ये पांच बार ए टी रिपीट है आठ बार एटी 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 रिपीट है मान लो एटी रिपीट है तो आप क्या करोगे आप वी एन टी आर प्रोब छोड़ दोगे वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट का एटी सीक्वेंस का प्रोब छोड़ दोगे ठीक है हालांकि दो बेस पेयर का वीएन टी आर नहीं हो सकता वीएन टी आर कम से कम पंद्रह से साठ बेसिस का होना चाहिए क्योंकि मिनी सैटेलाइट पंद्रह से साठ बेसिस का होता है है ना बट अभी मैं एग्जांपल के लिए दे रही हूं। इसको आप रेडियो एक्टिव कर दो मैं स्टार लगा रही हूँ मतलब इसको रेडियो एक्टिव कर दो अब इसको हम प्रोब बोलेंगे ठीक है एटी का नहीं करना चाहिए था यार एटी के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा टीए टीए का करना चाहिए था ए को रेडियो एक्टिव करके आप इसके ऊपर छोड़ दो तो अब टीए वाला इसके ऊपर लग जाएगा मान लो ये आठ है तो आठ टीए लग जाएंगे इसके ऊपर ऐसे ऐसे इसकी कॉम्पलीमेंटरी चिपक जाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ये छ एक, एक दो तीन चार पांच छह बार लग गए यहाँ पे पांच ही बार लगे इसके ऊपर एक दो तीन चार पांच यहाँ पे एक दो तीन चार पांच एक दो एक दो तो ये एग्जैक्टली exactly उतनी लेंथ की रेडियो एक्टिव प्रोब्स लग गए जितनी लेंथ का हमारा डीएनए का पीस था

प्रॉपरली तो उसको प्रॉपरली देखने के लिए पहले मैं स्टेप वन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करूंगी स्टेप टू उनका जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस करूँगी ताकि वो साइज के हिसाब सेपरेट हो जाए छोटे वाले सबसे आगे बड़े वाले सबसे पीछे छोटे वाले सबसे तेज भागते हैं फिर उसको मैं नाइट्रोसिलस पेपर पर पे डालूंगी ब्लॉटिंग कर दूँगी उसकी रेडियो क्या कहते हैं सदरन ब्लॉटिंग फिर स्टेप फोर उसमें रेडियो एक्टिव वी एन टीआर प्रोब्स डालूंगी मैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब्स डाल दिए तो उसमें चिपक गए अब वो रेडियो एक्टिविटी आने लगी है वहाँ वहाँ लेंथ में बाकी मैं पानी डालूंगी उसको वॉश ऑफ कर दूंगी ताकि जो प्रोब नहीं चिपके वो वॉश ऑफ हो जाए निकल जाए फिर मैं उसको ताकि जो प्रोब्स नहीं चिपके वो निकल जाए अब। अब मैं इसकी बहुत इजीली निकाल सकती हूँ देख सकती हूं विद द हेल्प ऑफ अ कॉल्ड ऑटो रेडियोग्राफी कौन सा स्टेप आ गया स्टेप फाइव विच इज द लास्ट स्टेप ऑटो रेडियोग्राफी से अब मैं इजीली देख सकती हूँ कि कितना लंबा प्रोब कहां पे लगा था जैसे मेरे पास नाइट्रोसेलोज पेपर है यहाँ पे अब प्रोब लग गए ऐसे यहाँ पे आठ वाली इतनी लंबी रेडियो एक्टिविटी आ रही है यहाँ पे इतनी लंबी रेडियो एक्टिविटी आ रही है है ना प्रोब उसी हिसाब से लग गए यहाँ पे यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे यहाँ रेडियो एक्टिविटी यहाँ रेडियो एक्टिविटी यहाँ रेडियो एक्टिविटी आ रही है अब इसके ऊपर मैं एक्सरे रख दूंगी ऑटो रेडियोग्राफी में क्या होता है एक्सरे रख देते हैं एक्सरे जहां जहां पे रेडियो होता है ना एक्सरे वैसे पूरा काला होता है, जहां जहां होता है, वहां पे हो जाता है। तो दूंगी थोड़ी देर के लिए ऐसे रख दूंगी ऊपर तो ये रेडियो एक्टिविटी उसको वाइट कर देगी वहां से ऐसे व्हाइट कर देगी ऐसे तो मुझे क्लियरली नजर आने लगेगा कि ये मर्डर वाला था ये राजदीप वाला है ये अंगद वाला है और मर्डरर वाला जो सीक्वेंस है विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू अंगद वाला सीक्वेंस तो अंगद इज द मर्डरर सिर्फ ये बात करने के लिए मैंने इतना काम किया है ऑटो रेडियोग्राफी में कुछ नहीं है एक्सरे शीट लो उसके ऊपर रख दो जहां जहां रेडियो एक्टिव रेडियो रेडियो एक्टिविटी जहां से निकल रही होगी प्रोब से वो वाइट कर देगा एक्सरे शीट को वहां पे अब मैंने तो बिल्कुल तुम्हें एक सिंपलीफाइड वर्जन बताया है समझ में आया तुम लोगों को पहले ही बताओ फिर मैं तुम्हें एनसीईआरटी से पढ़ा देती हूँ समझ में आए व्हाइट क्यों होगा यार मेरे को नहीं पता क्यों होते हैं व्हाइट रेज रेडियो एक्टिविटी में समझ में आए जल्दी बता दो यार बेटा ऐसे ही डिटेल्ड में आप लोग अनकैडमी प्लस पे मुझसे पढ़ सकते हो और आपको पढ़ना चाहिए अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर अगर आप करना चाह रहे हो 2023 के लिए एक एक चैप्टर का मतलब ये तो मैंने जैसे एक चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट कराया ना वहाँ पे हर रोज़ सुबह नौ बजे क्लास होती है और ट्यूज़डे और फ्राइडेज़ को टू पे क्लास होती है सुबह वाली क्लासेस डेढ़ डेढ़ घंटे की होती हैं और दोपहर वाली क्लासेस दो दो घंटे की होती हैं तो बहुत सारा टाइम आपको मैं ऐसे कॉन्सेप्ट समझाने में उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने में उनके टेस्ट लेने में मैं निकालती हूँ जिससे कि आप एक बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन पे खड़े होते हो अपनी नीट के एग्जाम के लिए चाहे आप 2024 के स्टूडेंट हो चाहे आप 2023 के स्टूडेंट हो तो आप अकेडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो और अभी तो कोई ऑफर भी शायद वो आ रहा है वो अवेल कर सकते हो आप कोड आर आई टी यू डाल के यू कैन गेट दोज लेक्चर्स एंड हैव अ वेरी स्ट्रांग फाउंडेशन फॉर नीट जंक डीएनए कहाँ मिलता है बेटा नॉर्मल जीन्स के बीच-बीच में मिलता है सभी से सभी क्रोमोसोम्स uh, में मिलता है ठीक है बस अब हमें एनसीईआरटी पढ़नी है अच्छा मैं कह रही हूँ मैंने तो तुम्हें बिल्कुल सिंपल समझा दिया क्यों क्योंकि मैंने सिर्फ एक क्रोमोसोम लिया मैंने सिर्फ एक क्रोमोसोम हाइपोथेटिकल ले लिया कि इसमें ऐसे होता हुआ इसमें इतने मिनी सैटेलाइट के रिपीट्स होते होंगे इसमें इतने मिनी सैटेलाइट के रिपीट्स होते होंगे

तो अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी ही यूज सैटेलाइट डीएनए प्रोब सेटेलाइट डीएनए को प्रोब के रूप में क्यों लिया उसने क्योंकि भैया सेटेलाइट डीएनए से ही तो कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए हमें प्रोब तो इसी सैटेलाइट डीएनए का ही कॉम्प्लीमेंट्री सटेलाइट डीएनए लिया उसने एज प्रोब दैट शोज वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इट वॉज वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट दिस टेक्निक ये, है, ये है, अब तुम पता चल गया सदन प्लॉटिंग क्या होती है अब देखो स्टेप्स आइसोलेशन ऑफ डीएनए आइसोलेशन ऑफ डीएनए बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हो कैसे पहले आप सेल तोड़ते हो ठीक है अगर ह्यूमन सेल है तो सेल वॉल नहीं है ठीक है आप उसमें प्रोटीन डालते हो ताकि सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन टूट जाए प्रोटीन एज प्रोटीज डालोगे लाइपेज डालोगे फिर आप एमाइलेज डालोगे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए आर डालोगे पर डी कभी नहीं डालोगे क्योंकि आप डीएनए को निकालना चाहते हो उसको तोड़ भी तोड़ना है फिर आप चिल्ड इथेनॉल डाल दोगे चिल्ड इथेनॉल डाल दोगे ये बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हो ना आप चिल्ड इथेनॉल डालोगे तो आपका डी सेपरेट हो जाता है डी को निकाल लिया आपने फिर वहां से आप सेटेलाइट डी निकाल लोगे ठीक है डाइजेशन फिर जब आपको डी मिल गया देन डाइजेशन ऑफ डी एन ए बाई रेस्ट्रिक्शन एंडो रेस्ट्रिक्शन एंडो से उसको काट लोगे वो पीसिस आ जाएंगे आपके बेसिकली अब तुम कहोगे वैसे ही कैसे काट रहा है कि बिल्कुल एग्जैक्टली exactly जितना मिनी का रिपीट है उनके बिल्कुल साथ से काटता है बेटा काटता है मुझे नहीं पता कैसे काटता है काटता है मिनी सेटेलाइट के जो रिपीट्स हैं उनके एंड टू एंड ही काटता है ठीक है सेपरेशन ऑफ डीएनए एन बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मैंने तुम्हें पूरी टेक्निक ही बता दी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की ठीक है

फिर आपने जब उसको नाइट्रोसिलिडोस पेपर पर पे डाल दिया फिर आपने उसको प्रोब छोड़ दिया उसके ऊपर वी एन टी आर प्रोब्स वो उसके चिपक गए जो कॉम्प्लीमेंट्री थे वो चिपक गए जो चिपकना है उसी को हाइब्रिडाइजेशन बोला हुआ है ठीक है फिर डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज डी एन ए फ्रैगमेंट्स बाई ऑटो रेडियोग्राफी अब आपने उसको डिटेक्ट कर लिया उस ऑटो रेडियोग्राफी जो रेडिएशन थी उसकी रेडियो एक्टिविटी थी जो उसकी ठीक है वो कैसे एक्सरे रख के इसी को ऑटो रेडियोग्राफी कहा जाता है ऑफ़ डीएनए रेफर टू हेज मिनी सैटेलाइट अ स्मॉल डीएनए सीक्वेंस इज अरे इन मेनी कॉपी नंबर बहुत सारे कॉपी नंबर हो सकता है द कॉपी नंबर वेर फ्रॉम क्रोमोजोम टू क्रोमोजोम द नंबर ऑफ रिपीट शो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म पॉलीमोर्फिज समझ गए किसी में चार बार रिपीट है किसी में दस बार रिपीट है यही तो polymorphism है डिफरेंस इन डीएनए ही तो पॉलीमॉर्फिज्म है एज अ रिजल्ट द साइज ऑफ वी एन टी आर वेरीज इन पॉइंट फ्रॉम पॉइंट वन टू ट्वेंटी के भी समझ रहे हो सिर्फ दो बार रिपीट है तो छोटा साइज हो गया मिनी सेटेलाइट का वी एन टी आर का अगर दस बार रिपीट है तो बड़ा साइज हो गया वी एन टी आर का या मिनी सेटेलाइट का

इट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन एक्सेप्ट में सिर्फ मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैं जिनका हर चीज सेम होती है डीएनए फिंगरप्रिंट्स तक सेम होता है उनका क्योंकि वो एक ही से बने होते हैं ना कल समझाया था क्लास में द सेंसिटिविटी ऑफ दिस टेक्निक हैज बीन इंक्रीज्ड बाय यूज ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कैसे आपके पास सिर्फ मर्डर का एक सेल है तो आप नहीं कर पा रहे पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ढंग से तो पहले उसको पीसीआर से मल्टीप्लाई कर लो उसका डीएनए ठीक है तो पीसीआर कर लो कॉन्सिक्वेंटली डीएनए फ्रॉम अ सिंगल सेल इज इनफ टू परफॉर्म डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस कॉन्सिक्वेंटली मतलब इसीलिए ठीक है पीसीआर की वजह से ही आप एक सेल से भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हो इन एडिशन टू एप्लीकेशन इन फोरेंसिक साइंसेज इट हैज अ मच वाइडर एप्लीकेशन सच एज डिटर्मिनेशन डिटरमिन पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटीज करंटली मेनी डिफरेंट प्रोब्स आर यूज टू जनरेट फिंगरप्रिंट्स अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है दो इंडिविजुअल्स हैं ए और बी उसका क्रोमोसोम सेवन टू और सिक्सटीन कंपेयर किया हुआ है 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 ठीक कंपेयर किया हुआ है। और ये क्राइम सीन से डीएनए मिला है मतलब ये मर्डर का डीएनए मिला है उसका भी सेवन टू और सिक्सटीन कंपेयर कर लो इलेवन मत कंपेयर करो उसका इलेवन भी मिला है बट तुम इसको इलेवन मत कंपेयर करो अरे सिक्सटीन टू सेवन नहीं नहीं एलेवन नहीं मिला इलेवन नहीं मिला ये कुछ और है सॉरी इलेवन नहीं मिला सेवन टू सिक्सटीन क्राइम सीन से मर्डर का भी ले लो फिर इसको काट लो काट को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे डाल लो ठीक है जेल एम्पलीफाइड रिपीट सेपरेटेड बाय साइज होना जेल ये तो जेल पे ही है आगे तो इन्होंने करके नहीं दिखाया हुआ ब्लॉटिंग वगैरह करके नहीं दिखाई हुई ठीक है तो ये जो है ये मर्डर का सीक्वेंस है ठीक है ये ब्लू भी है यहाँ पे जो आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे ब्लू भी है ऐसे ऐसे ब्लू भी है ठीक है ये इंडिविजुअल ए का है ये इंडिविजुअल बी का है अब आप देख रहे हो जो बी वाला है वो बहुत ज्यादा मर्डर से मैच कर रहा है ए वाला मैच नहीं कर रहा देखो इसका रेड वाला कितना पास पास है इसका रेड तो नीचे है रेड मतलब क्रोमोजोम सेवन से ठीक है फिर देखो इसका येलो वाला कितना मैच कर रहा है इसका येलो तो अलग है तो इससे हमें पता चलता है कि C इक्वल टू बी बी ही मर्डर है ठीक है इट इज क्लियर दैट फ्रॉम द बैंडिंग पैटर्न दैट इंडिविजुअल दैट इट मैच विद इंडिविजुअल बी एंड नॉट विद ए समझ में आ गया आप लोगों को जल्दी बता दो बेटा क्या हो गया भाई तुम बच्चों में क्या इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान करते रहते हो यार गलत बात है ना बच्चे तो बच्चे हैं ना यार इसके क्वेश्चंस में आप लोगों को करा दूंगी ठीक है थोड़ा सा रुक जाओ जो।, जो बच्चे टेस्ट के लिए पूछ रहे हैं मैंने कल की क्लास में टेल, टेस्ट सीक्वेंस दिया था ठीक है तो मैं फ्री क्लासेस भी लगाती हूँ आप लोगों के लिए प्लस पे प्लस पे क्या स्पेशल क्लासेस बोलते हैं मतलब वो प्लस की ऐप पे होते हैं अन अकेडमी की ऐप पे होता है बट वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं तो आपको अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड करना पड़ता है उसके लिए ठीक है ना तो आ, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो टेलीग्राम है रितु रतेवाल ऑफिशियल करके आप वहाँ पर ज्वाइन कर लो तो वहाँ पर ना मैं फ्री क्लासेस की आपको लिंक भेजती हूँ जैसे कि उन फ्री क्लासेस में अभी ट्यूसडे को आपका टेस्ट है लोकोमोशन एंड मूवमेंट का और हम पूरी मैं और मेरी टीम जो है एनसीईआरटी छान मारते हैं जितने क्वेश्चन हम बना सकते हैं एनसीआर से चाहे वो सी रीजन हो स्टेटमेंट वन टू हो हम अपनी तरफ से बना के लेके आते हैं ठीक है और वो भी रिपीटेडली बन रहे हैं जैसे मैंने तुम्हें सौ क्वेश्चन करा दिए तो वो इनफ नहीं है मेरी टीम बैठ के क्वेश्चन बना रही है जब सौ क्वेश्चन और बन जाएंगे मैं दोबारा भी टेस्ट ले लूंगी लोकोमोशन एंड मूवमेंट का ठीक है तो हम कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चन प्रोड्यूस कर रहे हैं सो so, आप लोगों को वो टेस्ट देना है लोको एंड मूवमेंट आप अगर आप यूट्यूब के बच्चे हो तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस पढ़ी हैं उनसे लगा के ट्यूसडे को टेस्ट दो अगर आप प्लस के बच्चे हो तो अभी, मैंने अभी आपको प्लस पे ही कराया है, फिर थर्सडे को, वो वो को अभी कंप्लीट कराया इस तरीके से आप टेस्ट दोगे कॉन्टिन्यूसली और अगर आप ऐसे टेस्ट दोगे ना जैसे आप हर चैप्टर के दो सौ तीन सौ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो अच्छे वाले तो आप नीट में बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे ठीक है चलो आई एल सी यू आज आ, चार बजे मैं क्लास रख रही हूँ आप लोगों की दोबारा से इन्वायरमेंटल इश्यूज की चार बजे अभी तो चार बजे ही रखी मैंने चार बजे मैं स्टार्ट कर दूंगी चार बजे नहीं स्टार्ट कर पाई तो पाँच बजे भी रख सकती हूँ उसको मैं बट आई एल डू इट टूडे इन्वायरमेंटल इशूज़ की क्लास है जिसमें मैं इन्वायरमेंटल इशूज़ जो प्लस टू का लास्ट चैप्टर है मैं वहाँ से शुरू करूँगी आपको मैं दो क्लासेस में खत्म करा दूंगी मतलब कि आज और कल में तो इन्वायरमेंटल इशूज़ का वन हाफ़ मैं आज कराऊंगी वन हाफ़ कल कराऊँगी और फिर इसका मैं टेस्ट ले लूँगी स्पेशल क्लास में तो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर नीट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री कि अब हम चैप्टर्स कम से कम जो ईजी चैप्टर्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है वो हम धीरे धीरे करके यहाँ पे YouTube पे जल्दी जल्दी खत्म करने लगे और फिर उनके टेस्ट ले लें ताकि हमारा वो प्रिपेयर हो जाए चैप्टर ठीक है चलो चलो आई एल सी यू फॉर दैट क्लास और आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप आ, मेरी और हमारी जो पूरी टीम है उसकी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चलो आई होप आपको डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग अच्छा अगर आप लोगों को रैली में डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग समझ में आ गई है तो आप इसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो मैं इसके क्वेश्चन आपको अलग से दे दूंगी वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए और आप लोग मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको क्या बात डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग की समझ में आई है क्या बात आपको नहीं समझ में आई कोई टर्म है जो नहीं समझ में आई ठीक है चलो ओके आई विल सी यू बाय थैंक यू अच्छा इसका पीडीएफ भी मैं अपने उस पर डाल दूंगी अपने टेलीग्राम पे दे दूंगी पीडीएफ सेव हो जाते हैं मुझे पता नहीं चल रहा था कि पीडीएफ डी कहाँ सेव हो रहे बट वो हो गए थे सेव और मैंने जो आप लोगों ने नोट्स मांगे थे वो मैंने दे भी दिए थे अपने टेलीग्राम पर इसके भी मैं दे दूँगी ठीक है ना नोट्स चलो बाई